भारत ने दो दिन में ही जीता कानपुर टेस्ट, बांग्लादेश की अकड़ डिली, WTC फाइनल का खेल रोमांच हुआ। भारतीय टीम ने कानपुर में बांग्लादेश को घुटने पर ला दिया। भारतीय टीम को भारत में हराने का सपना देखकर आए कप्तान शांतो की टीम बुरी तरह चरमरा गई। बारिश की वजह से 2.5 दिन से अधिक का खेल खराब हुआ, लेकिन रोहित शर्मा की आक्रामक रणनीति ने टेस्ट को T20 जैसा रोमांचक बना दिया। भारतीय टीम ने बांग्लादेश को दूसरी पारी में 146 रनों पर ढेर किया तो उसे 95 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे उसने 3 विकेट खोकर आसानी से हासिल किया। उसके लिए यशस्वी जायसवाल ने 51 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि विराट कोहली ने नाबाद 29 रन बनाए और पंत नाबाद 4 रन बनाकर लौटे। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले के लिए क्वालिफाई करने के करीब पहुंच गई है। बता दूं कि भारत की यह 11 मैचों में 8वीं जीत है, जबकि पॉइंट टेबल में वह टॉप पर है। भारत के इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की होम सीरीज और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की अवे सीरीज खेलनी है। मैच की बात करें तो लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को शुरुआती झटके लगे। कप्तान रोहित शर्मा आक्रामक रूप अख्तियार करना चाहते थे, लेकिन वह सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद शुभमन गिल सिर्फ 6 रन बनाकर चलते बने। बता दूं कि ये दोनों ही विकेट मेहंदी हसन के खाते में गए। भारत जीत से 3 रन दूर था तो यशस्वी जायसवाल हवा में गेंद खेल बैठे। 45 गेंदों में 8 चौके और 1 छक्के के मदद से 51 रन बनाकर वो आउट हो गए। इसके बाद विराट कोहली ने नाबाद 29 और पंत ने नाबाद 4 रन बनाए और भारत को जीत दिला दी। इससे पहले भारत ने 5वें और अंतिम दिन लंच तक मेहमान टीम को दूसरी पारी में 146 रन पर सिमट दिया। पहली पारी में 52 रन की बढ़त हासिल करने वाले भारत को बांग्लादेश पर जीत दर्ज करने के लिए बाकी बचे 2 सत्र में सिर्फ 95 रन की जरूरत थी। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने 34 रन देकर 3 विकेट, जसप्रीत बुमराह ने 17 रन देकर 3 विकेट और रविचंद्र अश्विन ने 50 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। इसके अलावा आकाशदीप ने 20 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। बांग्लादेश ने दिन की शुरुआत 2 विकेट पर 26 रन से आगे की। पहली पारी में शतक जड़ने वाले मोमिनुल हक को 2 रन पर रविचंद्र अश्विन ने लेग स्लिप में राहुल के हाथों कैच करके भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद कप्तान शांतो और शादमान इस्लाम ने 55 रनों की साझेदारी करके पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन शांतो ने खराब शॉट खेला और अपना विकेट गवा दिया और इसके बाद भारत ने नियमित अंतराल पर विकेट चटकाए। बता दूं कि शाकिब उल हसन अपने आखिरी टेस्ट में खाता भी नहीं खोल पाए और बांग्लादेश की टीम 146 रन पर ऑल आउट हो गई। इस तरह से भारत ने दूसरे टेस्ट में काफी आक्रामक खेल दिखाकर आसानी से टेस्ट अपने नाम किया और 2-0 से ये सीरीज अपने नाम कर दी। वैसे क्या आपने ये रोमांचक टेस्ट देखा या नहीं, कमेंट करके बताइए। आई होप ये जानकारी भरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक करना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ नए और रोचक जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद।